कोई टेक्निकल कोई फॉल्ट रिपेयर कर रहे थे साढ़े पी एस पी सी एल के मुलाजम गोले वाले उत्तों एक ट्रांसफार्मर बस कर गया सी उहदे नाल तीन जिहड़े मुलाजम ने उन्हां दे बर्नज हुई हैं और मैं एम एस साहब तो हुणे जानकारी ली है उन्हां दा इलाज ठीक हो रहा जान दा कोई खतरा नहीं है और जिहड़ा इलाज है वह सारा मुफ्त होएगा। तीन मुलाजम जख्मी हुए, तीन मरीज साढ़े को आए हैं जी गोले वाले तो आए हैं, कोई ट्रांसफार्मर बस किया उन्होंने स्कैज है गर्म मरीज़ के 60% बर्न है सुपरफिशियल बर्न है, एक 40% है एक 20% है, तो तीनों पेशेंट खतरे तो बाहर है, तो वो प्लास्टिक सर्जरी स्पेशलिस्ट है सुपर स्पेशलिस्ट उस डिपार्टमेंट दाखिल कर देते हैं, एट प्रेजेंट तो हम स्टेबल करते हैं हम वार्ड शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ जी एमएलए साहब भी आए थे, संधवा साहब स्पीकर साहब भी आके गए जी, उन्होंने हाल चाल पूछ के गए जी। कोई टेक्निकल कोई फॉल्ट रिपेयर कर रहे थे साढ़े पी एस पी सी एल के मुलाजम गोले वाले उत्तों एक ट्रांसफार्मर बस कर गया सी उहदे नाल तीन जिहड़े मुलाजम ने उन्हां दे बर्नज हुई हैं और मैं एम एस साहब तो हुणे जानकारी ली है उन्हां दा इलाज ठीक हो रहा जान दा कोई खतरा नहीं है और जिहड़ा इलाज है वह सारा मुफ्त होएगा। तीन मुलाजम जख्मी हुए, तीन मरीज साढ़े को आए हैं जी गोले वाले तो आए हैं, कोई ट्रांसफार्मर बस किया उन्होंने स्कैज है गर्म उन्होंने, तो मरीज़ के 60% बर्न है सुपरफिशियल बर्न है, एक 40% है एक 20% है, तो तीनों पेशेंट खतरे तो बाहर है, तो वो प्लास्टिक सर्जरी स्पेशलिस्ट है सुपर स्पेशलिस्ट उस डिपार्टमेंट दाखिल कर देते हैं, एट प्रेजेंट तो हम स्टेबल करते हैं हम वार्ड शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ जी एमएलए साहब भी आए थे, संधवा साहब स्पीकर साहब भी आके गए जी, उन्होंने हाल चाल पूछ के गए जी। इंस्ट्रक्शन की दे गए इलाज बारे, वो तो इंस्ट्रक्शन है जी फ्री इलाज कर इंस्ट्रक्शन दे के जो होंगे जी।